धन्यवाद। हम सभी महिला वासियों की ओर से यूपी न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। यूपी न्यूज की खबर का असर हुआ और मात्र कुछ घंटों के अंदर बाधित सड़क को तत्काल रूप से खाली किया गया और सुचारू रूप से आवागमन चालू हुआ। बहराइच के थाना कोतवाली नगर अंतर्गत मोहल्ला बशीरगंज निकट महाजनी स्कूल के पास लगभग 6 महीने से इमरजेंसी ट्रांसफार्मर सड़क बाधित किए हुए था, जिसके बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और कुछ ही घंटों के भीतर उसको हटाया और आवागमन पहले की तरह सुचारू रूप से जारी हुआ। मोहल्ला वासियों ने यूपी न्यूज की टीम को धन्यवाद किया। इस वक्त जनपद बहराइच के कोतवाली नगर इलाके के बशीरगंज में मौजूद हैं। यूपी न्यूज की टीम ने कल जो है यहाँ मोहल्ले वासियों की समस्याओं को कवरेज करके प्रमुखता से खबर चलाई थी और मोहल्ले वासियों ने बताया था अपना दुख दर्द कि ये वही सड़क है। कैमरा पर्सन से मैं दिखलाना चाहूँगा कि ये पीछे जो रोड है, इस रोड पे एक मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती थी, इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी, कोई वाद विवाद में डायल 100 नहीं आ सकती थी। यूपी न्यूज़ ने ये इस खबर को, जनता के दर्द को कल प्रमुखता से उठाया और खबर चलाई। खबर चलते ही आनन फानन में विद्युत विभाग हरकत में आया और यहाँ जो मार्ग अवरुद्ध किए था वो मार्ग राती राता खाली कराया गया है। आज इन्हीं मोहल्ले वासियों ने आज फिर हमको बुलाया है। हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना है इस संबंध में। क्या नाम है आपका? रफीकुल्ला अंसारी जी। क्या समस्याएं थी आपकी? समस्या ये थी कि जो ट्राला यहाँ था ट्रांसफार्मर का, उसमें जो है थोड़ी दिक्कत आ रही थी लोगों के आने जाने में और एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ कोई यातायात नहीं आ पाते थे। मोटरसाइकिल और साइकिल के लिए दिक्कत होती थी। लिहाजा जब न्यूज़ चैनल वालों ने चलाया तो उसमें असर, यूपी न्यूज़ चैनल, तो उस पर ये असर आया कि विद्युत विभाग उस पर आंदन फांदन, कल ही चली न्यूज़ और कल ही ट्रांसफार्मर को उठा ले गया। तो यूपी न्यूज़ को क्या संदेश? कुछ यूपी न्यूज़ को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, आइए जानते हैं। एक साथी और हमारे खड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये रिक्शा पहले आता था? बहुत बहुत बधाई हो, यूपी न्यूज देने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपकी समस्या यहाँ हल हो गई जी? पूरी तरह से हल, पूरी तरीके से हल हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आज ही ये रोड राती राता खाली कराई गई है, आज इस पे आवागमन चालू हो गया है और कितनी बिजी रोड है। कैमरा पर्सन से मैं दिखलाना चाहूँगा, ये पीछे आप देखिए, यहाँ पे ये जो रास्ता था, ये रास्ता काफ़ी दिनों से जो है ये बंद किया गया था। यहाँ आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी। आज यूपी न्यूज़ की एक मुहिम जो है रंग लाई और इस मोहल्ले वासियों की खबर को प्रमुखता से चलाई। आज इन मोहल्ले वासियों ने फिर यूपी न्यूज़ की टीम को बुला के यूपी न्यूज़ का धन्यवाद दिया है और इसके मंगल भविष्य के लिए कामना की है। यूपी न्यूज़ बहराइच से फराज अंसारी, सलमान असलम कैमरामैन।